हेलो स्ट्रेंड वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल सी एस आई आर एंड जेम केमिस्ट्री वाई विनोद धरमाल सो स्ट्रेंड टुडे वी आर डीलिंग विद टू मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएजेंट व्हिच आर बेस्ड ऑन द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल वन इज़ मोफ्ट ऑक्सीडेशन एंड अनदर इज कोरेकेम ऑक्सीडेशन सो पहले हम मॉफ्ट ऑक्सीडेशन की बात करेंगे मॉफ ऑक्सीडेशन एम ओ डबल एफ ए डबल टी मॉफ्ट ऑक्सीडेशन मॉफ्ट ऑक्सीडेशन सो इफ यू टॉक अबाउट द रिएजेंट ऑफ मॉफ्ट ऑक्सीडेशन सो जो यहां पर इसके आपके रिएजेंट होते हैं मॉफ्ट ऑक्सीडेशन के जो रिएजेंट है वो रिएजेंट हम क्या लेते हैं इसमें इसमें हम लेते हैं डीएमएसओ डिथाइल सल्फोक्साइड दूसरा हम यहां पर लेते हैं प्लस डी सी सी ठीक है डीसीसी आपका क्या है यहां पर आपका अगर डीसीसी को आप देखोगे तो डीसीसी आपका साइक्लो डाई साइक्लो हेक्साइल कार्बो डाईमाइड ठीक है जिसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे डाई साइक्लोहेग्जाइल की बात कर रहे हैं आपका एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन ये आपका है इसको हम बोलते हैं कि आपका डी सी सी और यहां पर हम क्या लेते हैं आपका एसिड भी यूज करते हैं एसिड में हम यहां पर क्या लेते हैं आपका ए सी ओ एच ए सी ओ एच यहां पर हम एसिडिक एसिड आपका यूज करते हैं तो अगर हम इसके रिएजेंट की बात करेंगे तो देखो फंक्शन क्या करता है आपका तो अगर हम देखेंगे ये क्या करता है देखो वन डिग्री एल्कोहल अगर हमारे पास वन डिग्री ओ एच होगा तो ये वन डिग्री एल्कोहल को कहां कन्वर्ट करता है आपका एल डी और टू डिग्री एल्कोहल अगर हमारे पास टू डिग्री ओ एच होगा तो उसको ये कन्वर्ट करेगा कहां पर आपका कीटोन ठीक है और अगर हमारे पास थ्री डिग्री एल्कोहल होगा थ्री डिग्री ओ एच टू नो रिएक्शन ठीक है थ्री डिग्री एल्कोहल पर कोई भी रिएक्शन यहां पर नहीं होती है तो सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं सपोज हमने यहां पर एग्जाम्पल लिया आपका हमने लिया आपका आर सपोज आर सी एच टू ओ एच ठीक है इसकी हम रिएक्शन करा रिएक्शन करा रहे है किसके साथ डाई मिथाइल सल्फोक्साइड ठीक है दूसरा हम ले रहे हैं डी सी सॉरी डी सी सी और हम ले रहे हैं ए सी ओ एच तो ये क्या करेगा आपका आर सी डबल बॉन्ड ओ आपका एच तो ये क्या था आपका वन डिग्री एल्होल था और इसने कहा कन्वर्ट कर दिया इसको एल में कन्वर्ट कर दिया ठीक है तो देखो डीएमएसओ से बेस्ड रिएजेंट है इससे पहले हमने डीएमएसओ से बेस्ड रिएजेंट पढ़ा था आपका कब जब हमने स्वर्ण ऑक्सीडेशन पढ़ा था स्वर्ण ऑक्सीडेशन में भी क्या होता है आपका डीएमएसओ होता है लेकिन डीसीसी नहीं होता है उसके जगह क्या होता है आपका ऑक्सिलिल क्लोराइड हम वहां पर लेते हैं ठीक है तो देखते हैं रिएक्शन होती कैसे है देखो अगर हम इसके मैकेनिज्म को देखें मैकेनिज्म मैकेनिज्म तो बहुत इजी मैकेनिज्म है आपका देखो सबसे पहला हमारे पास क्या है डीएमएस एम एस है डीएमएसएस थ्री एस डबल बॉन्ड ओ और आपका सी एच थ्री देखो अगर हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोन नेगेटिविटी ज्यादा है अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोन नेगेटिविटी ज्यादा है तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा आपका इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले लेगा और जब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी उल लेगा ले 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 तो ये बन जाएगा देखो सी एस थ्री एस ओ और यहां पर सी एच थ्री यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और सॉरी ऑक्सीजन पर आ गया आपका क्या नेगेटिव चार्ज और सल्फर पर आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हम क्या ले रहे हैं डी ले रहे हैं यहां पर आप देखो कैसे अगर हम यहां पर डी यूज करें एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी और यहां पर क्या लगा आपका साइक्लोहेक्साइल ग्रुप लगा है ठीक है देखो जब हम डी सी सी यहां पर यूज करेंगे तो क्या होगा ऑक्सीजन के पास जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा कहां पर अगर जो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन अटैक करेगा इस कार्बन पर जैसे ही कार्बन पर अटैक करेगा देखो हमारे पास क्या है यहां पर ए सी ओ एच है तो ये ए सी ओ एच क्या देगा आपको एच पॉजिटिव देगा जैसे ही अटैक करेगा ये बॉन्ड नाइट्रोजन से अटैक कर देगा इस कहां पर आपका एच पर ठीक है और जैसे ही एच पर अटैक करेगा देखो क्या बन जाएगा आपका डाय साइक्लोहेक्साइल तो ये आपका एन एन पर डबल बॉन्ड सी यहां पर आपका देखो इस पर अगर हम देखेंगे तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन पे एक क्या आ जाएगा आपका एच जाएगा और एक क्या लगा आपका सीवाई लगा सी वाई फॉर साइक्लोहेक्साइल ग्रुप ठीक है और देखो इस कार्बन पर क्या जुड़ेगी आपका इस कार्बन पर जुड़ा आपका ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन पर क्या जुड़ा आपका क्या सल्फर और सल्फर पर क्या जुड़ा आपका सी एस थ्री और यहां पर भी सी एस थ्री इस पर क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज ठीक है तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स बना ठीक है जो ये हमारा एडक्ट बना है ये एडक्ट क्या करता है आपका इस एडक्ट पर एल्कोहल आपका अटैक करता है अब देखो सेकंड स्टेप स्टेप नंबर फर्स्ट ये था स्टेप नंबर सेकंड जो हमारे पास एल्कोहल है आर सी एच टू ओ एच ये हमारे पास है और इसकी रिएक्शन हम इस एडक्ट के साथ करा रहे हैं प्लस uh, डाइसाइक्लो एन डबल बॉन्ड सी यहां पर क्या लगा आपका एन एच और इधर लगा आपका सी वाई ओ इस पर लगा है सल्फर इधर लगा आपका सी एस थ्री इधर लगा आपका सी एस थ्री इस पर कि आपका पॉजिटिव चार्ज अब देखो क्या करेगा ये क्या करेगा इस ऑक्सीजन के पास क्या आपके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीन अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अटैक करेगा इस सल्फर पर जैसे ही ये इस सल्फर पर अटैक करेगा ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा कहां पर आपका इधर ठीक है और जैसे ही ये बॉन्ड शिफ्ट होगा ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर अब देखो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और जब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा तो इस ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज तो इस ऑक्सीजन से ये एच निकल के यहां पर चले जाएगा ठीक है तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो देखो क्या बन जाएगा ये बन गया आपका आर आर पे क्या आ गया आपका सी एस टू इस पर लगा ओ देखो ओ सल्फर पर आपका सी एस इस पर आपका सी एस थ्री इस पर आपका सी एस थ्री यहां पर क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज और प्लस देखो प्लस क्या निकल गया हमारे पास अगर आप देखोगे ये क्या बन गया देखो सी डबल बन गया सी डबल वॉन्ड ओ देखो एक क्या बन गया आपका एन एच इस पर क्या लग गया आपका सी वाई सेम इधर भी एन एच इस पर क्या लग गया आपका सी वाई यहां पर आपका लग गया ठीक है अब देखो जो ये आपका कंपाउंड बना आपका ठीक है इसके साथ हम क्या कर रहे हैं थर्ड स्टेप स्टेप नंबर थर्ड देखो स्टेप नंबर थर्ड में क्या होगा आपके पास हमारे पास है आर सी एच टू ओ एस यहां पर आपका सी एच टू एच कर देते हैं इसको यहां पर आपका सी एच थ्री इस पर क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज अब देखो यहां पर हमारे पास क्या बचा अगर आप यहां पर देखोगे ए सी ओ एस से यहां से एस पॉजिटिव दिया तो यहां पर क्या बच गया आपका ए सी ओ नेगेटिव बच गया अब ये बेस की तरह बिहेव करता है ये बेस की तरफ बिहेव करेगा तो नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस h पर और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा कहां पर आपका cs2 पर तो ये क्या बन जाएगा r ch2o ठीक है s इस s पर ch2 यहां पर आपका ch3 इस पर पॉजिटिव इस पर आपका नेगेटिव चार्ज अब देखो सेम स्टेप है ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा इसको ch2 को हम क्या लिख रहे हैं आपका chh लिख रहे हैं अब देखो ये नेगेटिव चार्ज यहां से h लेगा और ये सी एच वाला बॉन्ड सी ओ के बीच में शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा सल्फर पर क्योंकि सल्फर पर चार्ज क्या आपका पॉजिटिव है तो ये क्या बन जाएगा देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस क्या बन गया आपका सी एच थ्री एच सी एच थ्री तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो इसने क्या बना दिया आपका एल डी हाइड्रिक ग्रुप में ये क्या हो गया आपका कन्वर्ट हो गया तो ये इसकी आपकी मैकेनिज्म है पहले स्टेप में आपका जो आपने क्या लिया डीएमएसओ लिया डी एम

ठीक है तो ये जो सल्फोक्साइड बना ये सल्फोक्साइड आयन क्या करेगा आपका बेस क्या करेगा इससे प्रोटॉन लेगा और जैसे ही प्रोटॉन लेगा सी एस टू में नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज यहां से एस लेगा और ये बॉन्ड आपका सी एस के बीच में शिफ्ट हो जाएगा और क्या बन जाएगा आपका एल्डिहाइड बन जाएगा अब देख कुछ क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड आपके तो ये हमें आपके चार क्वेश्चन दिए हैं ठीक है थीके? इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है देखो कैसे करेंगे तो यहाँ पर अगर सबसे पहले आप रिएजेंट को देखना हमेशा कभी भी आपको क्वेश्चन करना है तो पहले रिएजेंट को देखो कि कौन से रिएजेंट से वो क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन का है रिडक्शन का है या क्या है आपका तो सबसे पहले हमें अप्रोच करना होता है रिएजेंट को देखना है तो देखो जब हम रिएजेंट देखेंगे तो हमें दिया है डी ठीक है और डी जब डीएमएस को कभी भी डीसीसी के साथ दिया होता है तो हमेशा क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन होता है कौन सा रिएजेंट था मोफ्ट ऑक्सीडेशन होता है आपका ठीक है तो देखो अब मोफ्ट ऑक्सीडेशन में होता है क्या है एल्कोहल वन डिग्री एल्कोहल एल डी हाइड टू डिग्री एल्कोहल कीटोन तो अगर हम यहां पर देखेंगे तो देखो ये तो आपका प्रोटेक्टिंग ग्रुप है एल्कोहल का ये भी आपका ये आपका क्या ईथर है आपका ओ एम ई इसको हम देखेंगे ओ OH. एच देखो ये ओ OH एच कौन सा आपका टू डिग्री एल्कोहल है तो ये क्या करेगा आपका टू डिग्री एल्कोहल को कहां कन्वर्ट कर देगा आपका कीटोन में कन्वर्ट कर देगा कन्वर्ट तो कैसे करेगा ट्रिक की बात करोगे तो देखो यहां पर अगर हम इसको ऐसे लिख दें इसको हम एच कर दें इसको भी हम यहां पर एक एच होगा तो देखो होगा क्या ये एच निकलेगा और ये एच निकलेगा ठीक है ये मैकेनिज्म नहीं है मैकेनिज्म आपको बता रहे कि करना कैसे है वो आपको एक एच यहां से गया एक एच यहां से गया दोनों के बीच में क्या आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड तो जैसे ही डबल बॉन्ड आएगा तो देखो क्या बन गया आपका तो ये बन जाएगा आपका ये ऑक्सीजन आ गया ठीक है यहां पर क्या आ गया आपका ये आपका ग्रुप ऐसे ही लगा इस पर कोई भी इफेक्ट आपका नहीं पड़ेगा पीएच टू टर्सरी ब्यूटाइल यहां पर डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा ठीक है और यहां पर इस ट्रिपल बॉन्ड पर और एम ई ग्रुप पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और यहां पर भी इस ओ एम ई ग्रुप पर कोई भी इफेक्ट आपका

तो ये इसको कहां कन्वर्ट कर देगा आपका इसको ये कन्वर्ट कर देगा एल में एन जहां इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहां पर नाइट्रोजन लगा है ठीक है ये आपका नाइट्रोजन है यहां पर ऑक्सीजन ये आपका ये बना है और यहां पर क्या बन जाएगा डबल वन ओ एच बन जाएगा ठीक है बाकी ये क्या है आपका सी, ओ सी ओ एम ई इस पर यहां और बाकी ग्रुप पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा ठीक है देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो इस वाले क्वेश्चन में अगर हम हाँ देखेंगे एक एल्कोहल ये है और एक एल्कोहल ये है अगर इस एल्कोहल को देखेंगे तो ये वन डिग्री है इस को देखेंगे डिग्री है तो थ्री डिग्री एल्कोहल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है क्योंकि हमेशा क्या था बेस जब सी एस थ्री से एच लेता तो सी एस टू में नेगेटिव चार्ज आता है और वो सी एस टू नेगेटिव जिस कार्बन पर ओ ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन से हाइड्रोजन लेता है तो यहां पर अगर देखेंगे इस कार्बन पर ओ जुड़ा है इस कार्बन पर हाइड्रोजन ही नहीं है अगर इस पर हाइड्रोजन नहीं है तो यहां पर रिएक्शन नहीं होगी तो इसका जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा आपका यहां पर आपका नाइट्रोजन आपका डबल बॉन्ड ऐसे लगा और ये सी एच ओ ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां पर इस इधर आपका कोई भी इफेक्ट आपका नहीं पड़ेगा ये ट्रिपल बॉन्ड सॉरी थ्री डिग्री एल्कोहल आपका ऐसे ही रहेगा ठीक है तो ये आपके क्वेश्चन थे किसके आपके मॉफ्ट ऑक्सीडेशन के नेक्स्ट हम देखें कोरी कोरिकम ऑक्सीडेशन देखते हैं नेक्स्ट है आपका कोरे किम ऑक्सीडेशन कोरे किम ऑक्सीडेशन ठीक है तो देखो कोरे किम ऑक्सीडेशन में क्या होता है तो इसके हम सबसे पहले इसके रिएजेंट को देखते हैं इसमें कौन कौन से हम रिएजेंट यूज करते हैं रियजेंट देखो यहां पर हम लेते हैं आपका डीएमएस डाई मिथाइल सल्फाइड ठीक है दूसरा हम ये लेते हैं आपका आपका यहां पर एन सी एस एन सी एस आपका एन क्लोरो सक्सिनामाइड ठीक है अगर एनसीएस को देखोगे तो एनसीएस आपके पास क्या है एन क्लोरो सक्सिनामाइड ठीक है एन एनक्लोरोक्सिमाइड का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो ये होता है आपका डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ नाइट्रोजन और इससे जुड़ा होता है आपका सी एल ये आपका एन क्लोरो है ठीक है उसके बाद और यहां पर हम क्या लेते हैं बेस लेते हैं क्या? E e आपका क्या ई टी थ्री एन ई टी थ्री एन और रिएक्शन अप्रोक्स आपका माइनस ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस के आसपास आपकी यहाँ पर होती है ठीक है इसमें भी बेस लेना आपका बहुत जरूरी है देखो जैसे स्वाम ऑक्सीडेशन में था वहां पर भी लास्ट सिस्टम आपको बेस लेना था उसके बाद आपका मॉफ्ट ऑक्सीडेशन था उसमें भी लास्ट स्टेम में आपको बेस लेना है और ये कोरे किम में भी क्या करना है आपको लास्ट स्टेप में बेस लेना है अब देखो फंक्शन क्या है ये भी क्या करता है आपका वन डिग्री एल्कोहल को ये कन्वर्ट करता, करता है आपका कहाँ पर एल्डीहाइड में वन डिग्री एल्कोहल को आपको एल्डीहाइड में ऐसे ही टू डिग्री एल्कोहल को ये कन्वर्ट करता है कहाँ आपका कीटोन में ठीक है और थ्री डिग्री एल्कोहल पर यहाँ क्या पड़ता है नो इफेक्ट तो यहां पर अगर हम देखेंगे नो इफेक्ट सेम वही आपका थ्री डिग्री एल्कोहल पर भी कोई भी इफेक्ट यहां पर नहीं पड़ता है देखो एक रिएक्शन लेते हैं देन आपका देखते हैं देखो सपोज हमने एक रिएक्शन ली आपकी आर सी आर एच और ओ एच ठीक है ये हमने टू डिग्री एल्कोहल ले लिया इस बार टू डिग्री एल्कोहल इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ यहां पर हमने लिया डीएमएस डाइमिथाइल सल्फाइड प्लस एनसीएस एन क्लोरोसक्सनाइड तो प्लस आपका लिया ई टी थ्री एन और माइनस ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस तो यहां से क्या होगा आर सी डबल वॉन्ड ओ आर एक को हम आर आरडेस कर लेते हैं तो आर आरडेस हो गया और ये बन गया क्या, क्या आपका कीटोन तो यहां से क्या बनता है आपका कीटोन बनता है तो देखते हैं इसकी मैकेनिज्म कैसे आपका कीटोन बनता है यहां पर कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आपका जनरेट होता है ठीक है तो देखो अगर इसके मैकेनिज्म की बात करोगे मैकेनिज्म ठीक है तो देखो मैकेनिज्म में पहला स्टेप क्या आपके पास एन सक्सिनामाइड हमारे पास प्रेजेंट है डबल बॉन्ड ओ यहां पर नाइट्रोजन पर नाइट यहां पर क्या लगा आपका सी एल यह आपका है एन सी एस एन सी एस प्लस इसकी रिएक्शन डाई मिथाइल सल्फाइड देखो एस सी एस थ्री और सी एच थ्री तो देखो क्या करेगा रिएक्शन कैसे होगी अब देखो जो सल्फर है ये ऑक्सीजन फैमिली को बिलोंग करता है तो यहां पर सल्फर के पास क्या होते हैं आपके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये लॉन पर इलेक्ट्रॉन अटैक करते हैं इस सी पर और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है आपका एन पर तो यहां से अगर देखेंगे तो ये बन गया आपका देखो डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ यहां पर एन एन पर लग गया आपका नेगेटिव चार्ज और प्लस सी एल एस इस पर आपका सी एस थ्री यहां पर भी सी एस थ्री इस पर चार्ज क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया ठीक है जो ये आपका पॉजिटिव चार्ज आया ये किसकी तरह बिहेव करता, करता है आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह करता है एल्कोहल अटैक करेगा एल्कोहल हमारे पास क्या है आर टू ऐसे कर लो आर सी आर डैश लिया आपने एच ओ एच ठीक है इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ सी एल सी एच थ्री सी थ्री ये काम कर लो इधर का उधर कर लो यहां पर आपका सी एच थ्री एस सी एच थ्री यहां पर सी एल इस पर आया आपका पॉजिटिव चार्ज अब देखो क्या होगा इस ऑक्सीजन के पास क्या आपके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अपने लॉन पे इलेक्ट्रॉन से अटैक करेगा सल्फर पर और यहां से क्या निकल जाएगा आपका सी एल ठीक है तो जैसे ही यहां से आपका सी एल निकलेगा तो देखो क्या बन गया आपका R R पर लगा आपका C इस पर लगा H इस पर लगा R डैश इस पर लगा O O पर क्या आ गया आपका देखो सल्फर सल्फर पर यहां पर CH3 यहां पर CH3 इस पर पॉजिटिव चार्ज है अब देखो निकला क्या देखो यहां से Cl निकला और O पर जो H है यहां से H निकला माइनस क्या निकल गया यहां से आपका HCN निकल गया अब थर्ड स्टेप में क्या करते हैं हम इसकी रिएक्शन किसके साथ किसी बेस के साथ कराते हैं ठीक है तो स्टेप नंबर थर्ड आपने बेस क्या लिया देखो बेस आपने लिया क्या आपका ए थ्री एन ये क्या बन गया आपका एल्काइल सल्फोनियम सॉल्ट एलकाइल सल्फोनियम सॉल्ट की रिएक्शन हम करा रहे हैं देखो किसके साथ आर सी एच आर डैस यहां पर ओ ओ पर लग गया एस इस पर लग गया आपका सी एच टू एच कर लेते हैं इसको आपका सी एच थ्री कर लेते हैं पॉजिटिव चार्ज ठीक है इस पर हम टी एन। देखो नाइट्रोजन के पास लॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो नाइट्रोजन अपने लॉन पे इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा जिस सल्फर पर सी एस थ्री लगाए उस सल्फर से एच लेगा ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा आपका इस सी एस टू में तो ये बन जाएगा आपका आर यहां पर आएगा सी एच ये आपका आर डैश देखो ये आपका ओ एस इस पर आपका सी एस टू यहां पर नेगेटिव चार्ज ये सी एस थ्री यहां पर पॉजिटिव चार्ज अब देखो फिर से वही कंडीशन थ्री डिग्री पर यह अटैक नहीं कर रहा है क्योंकि थ्री डिग्री पर प्रोटॉन नहीं है देखो इधर देखो आप जिस कार्बन पर ऑक्सीजन लगा है उस कार्बन से जो ये हाइड्रोजन है इसको ऐसे लिखते हैं कार्बन ठीक है इस पर जो ये हाइड्रोजन लगा ये हाइड्रोजन तो ये क्या करता है नेगेटिव चार्ज क्या करता है इस है एच पर अटैक करेगा सेम प्रोसेस ये स्टेप स्वान ऑक्सीडेशन में भी कोरेकिम ऑक्सीडेशन में भी और मोफ्ट ऑक्सीडेशन में भी सेम का सेम स्टेप है अगर बेस नहीं लोगे तो रिएक्शन नहीं होती है तीन स्टेप तीन रिएक्शन है तीन के तीन के नेम से हैं। और तीन के तीन वन डिग्री टू डिग्री एल्ल का ऑक्सीडेशन करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में ठीक है तो क्या करेगा ये जैसे इसने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज से इस एच पर अटैक किया ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा सी ओ के बीच में और ये शिफ्ट हो जाएगा यहां से आपका सल्फर में तो यहां से क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आर देखो सी डबल बॉन्ड ओ और आर डैश प्लस क्या बन जाएगा आपका सी एच थ्री एस सी एच थ्री तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये क्या बन गया आपका कीटोन बन गया क्योंकि हमने क्या ले रखा है टू डिग्री एल्कोहल लिया है अगर वन डिग्री एल्कोहल लेंगे तो इस C पर R नहीं होगा एक H ग्रुप क्या होगा आपका प्रेजेंट यहां पर होगा तो ये आपका कोरेकिम ऑक्सीडेशन और यहां पर हम आपको बार बार कह रहे हैं कि लास्ट स्टेप में बेस होगा तभी एल्डिहाइड कीटोन बनेगा अदरवाइज एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनेगा इसका आपको देखोगे क्या होगा अगर बेस आप नहीं लोगे तो हमेशा क्या हो जाता आपका सब्सिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है तो ये हमें आप क्या करना आपको ध्यान में रखना है तो गाइज ये थे हमारे मॉफ्ट ऑक्सीडेशन और कोरेकिम ऑक्सीडेशन तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया डी एम एस ओ से बेस्ड या डी एम एस से बेस्ड आपके ये रिएजेंट थे तो स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो थैंक यू सो मच